दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में जो है वो सिम के नेटवर्क जो है वो 5G तो आ रहे हैं, पर आपका नेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। दोस्तों, आपके नेटवर्क जो है वो 5G है, फिर भी अगर आपका नेट जो है वो स्लो चल रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है वो अपनी फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन देखने को जरूर से मिलेगा आपके मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल नेटवर्क का। तो जहाँ भी आपको देखने को मिले मोबाइल नेटवर्क, तो आपने सिंपली से वहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में अगर दो सिम होगी तो आपको दोनों सिम यहाँ पर शो होगी, अगर एक सिम होगी तो आपको यहाँ पर एक सिम शो होगी। तो जिस भी सिम में आपने डाटा डलवाया है, जिस भी सिम का जो है वो आपके लिए 5G नेटवर्क आ रहे हैं पर आपका डाटा जो है वो स्लो चल रहा है, आपने उस सिम पर जो है वो सिंपली से क्लिक कर देने। जैसे कि मेरे सिम वन में ये प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क तो जो है वो 5G है पर फिर भी नेट स्लो चल रहा है, तो मैं सिम वन पर कर दूंगा क्लिक। जैसे ही मैं सिम वन पर कर दूंगा क्लिक, उसके बाद में मेरे पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, परफेक्ट नेटवर्क टाइप। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली जो है वो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जहां भी आपको देखने को मिले परफेक्ट नेटवर्क टाइप, तो आपने सिंपली से यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहां पर जो है वो पहले नंबर पर दिखाई देगा 5G, 4G, 3G, 2G और दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा 4G, 3G, 2G। अगर आपके यहां पर जो है वो 5G सेलेक्ट है पर आपका नेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली से जो है वो 4G, 2G, 3G वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने, दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देने। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई जगह ऐसी होती है जहां पर जो है वो 5G नेटवर्क जो है वो नहीं आ पाते, जिसकी वजह से जो है वो आपके नेटवर्क तो जो है वो 5G रहते हैं पर आपका डाटा जो है वो 5G की तरह नहीं चल पाता। तो आपने करना क्या है, अगर आपके नेटवर्क जो है वो 5G आ रहा है पर आपका डाटा जो है वो 5G की तरह नहीं चल रहा, आपका डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आपने सिंपली से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में 4G, 2G, 3G वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके नेट की स्पीड जो है वो पहले से जो है वो बढ़ जाएगी, आपका नेट जो है वो अच्छे से चलने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।